मेरे फ्रेंड्स से वही शॉप है जहाँ से मैं गिटार बुकिंग किया था। अभी चलते हैं फटाक से लेते हैं। तो आपको ये ब्लॉग देख के मतलब कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो मैं कौन सा गिटार लूँगा क्या लूँगा आपको तो इस ब्लॉग को देख के ही पता चलेगा। तो फाइनली हम लोग चाहे फ्रेंड्स, अगर गिटार के फंक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हो, FX 280, अगर आप F 280 लोगे तो उसमें आपको ये एम्पलीफायर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होगे, सही सलामत होगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने बोला था कि मतलब मेरा नेक्स्ट व्लॉग जल्दी से जल्दी आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं शूट कर रहा हूँ, आज मैं खास चीज़ लेने जा रहा हूँ जो कि आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही जा रहा होगा। वैसे फाइनली मतलब मुझे बहुत सारा अभी प्रॉब्लम हो गया था, अभी तो फिलहाल मैं कोरबा में हूँ, तो आने में बहुत सारा मेरे से प्रॉब्लम हुआ। एक तो मेरा तबीयत हालत ख़राब हो गया था सफ़र करके, और प्लस बीच में कुछ मतलब मेरे फैमिली में एक नानी का कुछ हो गया था, आप मेरे बात से समझ सकते हो, तो वो सब प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था। लेकिन आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और मैं आज लेने जा रहा हूँ गिटार जो, तो आपको ये ब्लॉग देख के मतलब कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं कौन सा गिटार लूँगा क्या लूँगा आपको तो इस ब्लॉग को देख के ही पता चलेगा। तो फाइनली हम लोग चलते हैं, अभी मैं रेडी हो गया हूँ और जीजू सब भी रेडी हो गए होंगे, जीजू के साथ जा रहा हूँ। तो फाइनली चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, आप ब्लॉग के साथ बने रहो। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। और अगर पसंद आए थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक करना। और मेरे इंस्टाग्राम में अगर आप लोग फॉलो नहीं किए तो आप लोग जा सकते हैं, उसमें मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में अपना यूजर नेम दे दूंगा, आप लोग फॉलो करो। और पर्सनल बातें जो भी पूछना है या फिर जो भी करना है तो आप इंस्टा के थ्रू SMS। फ्रेंड्स, सिटी एरिया में घूमने से पहले ऐसे बांध लेना ज़रूरी है कि नहीं बता? क्या है कि धूल सब उड़ते रहते हैं, डस्ट अब नाक के थ्रू जाता है फेफड़ा में, और ऐसे में बीमार बीमार हो सकते हैं। तो कभी भी जाएँ धूल वाले जगह में तो ऐसे बांध के जाइए। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे जीजू के साथ गिटार लेने, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम लोग वैसे फाइनली कल जा चुके थे उस दुकान पे, तो हम लोग उस गिटार को बुकिंग कर लिए हैं, तो बस जाके लेना है और पेमेंट कर। ओके, गो, चलते हैं, अब मिलते हैं वहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं और मौसम भी काफ़ी थोड़ा बादल बादल कर रहा है इधर का, तो चलते हैं हम लोग फाइनली, अब वहीं मिलेंगे। अभी रेलवे लाइन में रुकना पड़ रहा है, वो कब खुलेगा? सब अपना अपना रूल तोड़ के पार हो रहे हैं, देख रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट क्या बोले, सब रूल तोड़ करके पार कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी होगा शायद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग एग रोल खा रहे हैं और भैया बड़े मज़े से हम लोग के लिए एग रोल बना रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। तो खा लेते हैं एग रोल, रुक्कड़ को देखो बीजू को कैसे खा रहे हैं एग रोल। अरे रहा मेरा, लेकिन मैं खाते हुए नहीं दिखूँगा। फ्रेंड्स, ये वही शॉप है जहाँ से मैं गिटार बुकिंग किया था, अभी चलते हैं फटाक से लेते हैं। गुड इवनिंग भैया। तो
सो फ्रेंड्स, ये वही दुकान है जहाँ से हम लोग गिटार बुकिंग किए हैं। ये रहा शॉप और बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। रहा अपना चर्च कोरबा का, और थोड़ा सा अभी कुछ काम से इधर आ गए हैं। अनमोल संगी लोग के यहाँ रुके थे थोड़ा सा, अभी कुछ काम से इधर चर्च साइड आए हैं। ये रहा चर्च और इधर उसका कंपाउंड। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग मतलब अभी मार्केट वगैरह भी करना है, मार्केटिंग करके हम लोग जाएंगे। और जीजू का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से वो बाइक चला नहीं पा रहे हैं और मेरे को बाइक चलाने दे रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, अभी मार्केटिंग वेटिंग करके जा रहे हैं घर। घर जाने के बाद बात करते हैं, बहुत शाम हो गया है और सब्जी उब्जी ले रहे थे तो ले लिए हैं, काफ़ी रात हो गया है, नहीं दिख रहा है, घर जाके बात करते हैं। चलो यहाँ पर भी रुकना पड़ रहा है अभी। फ्रेंड, जिस चीज का बहुत सब्री से, मतलब बहुत दिन से क्या बोलूँ, बहुत दिन से इंतज़ार था, वो चीज़ आ चुका है। और मैं मतलब शाम हो गया था और बहुत सारा काफ़ी सामान पकड़ा था, मार्केटिंग वगैरह करना था, जिसके वजह से मैं उतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया सिटी एरिया में। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि दुकान में जाने के बाद थोड़ा सा नर्वस हो गया था, क्योंकि सब देख रहे थे मुझे व्लॉगिंग करते हुए, तो मेरे को थोड़ा सा शर्म टाइप से लग रहा था, जिसके वजह से मैं दुकान में व्लॉगिंग नहीं किया। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी गिटार, कि मैं कौन सा गिटार लिया हूँ और कैसा है, सब चीज़ अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब खोलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि कैसे है गिटार। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर है बॉक्स गिटार का, जो कि ऐसे ट्रायंगल में आता है, और यहाँ यामाहा का ब्रांडिंग दिया हुआ है। यहाँ पर गिटार ये दिया है और इसका मॉडल दिया है FX280NT करके कुछ दिया है, मेड इन इंडिया है। एंड मॉडल जो मॉडल ये है, यही गिटार है। और इधर दिया है आपको 10,990 ऐसे करके कुछ है, और इसका मॉडल दिया है ये सब। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा कुछ ऐसे बॉक्स है, तो अब इस बॉक्स को खोलते हैं, कैसे है गिटार। तो ये रहा कुछ इस टाइप से है, ये रहा कुछ ऐसे यामाहा। तो ये रहा गिटार, अभी आपको दिखाता हूँ। तो बॉक्स खोल के दिखा दिया था, कुछ इस टाइप से गिटार है, आप लोग देख सकते हो, जो यहाँ यामाहा का ब्रांडिंग दिया है स्ट्रिंग। तो मुझे बजाना नहीं आता, बट ये अभी मैं सीखने के लिए लिया हूँ, और सीखने के साथ साथ मैं इसको बजाऊंगा भी काम पर, क्योंकि मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने गिटार को लिया। और इस बॉक्स के अंदर आपको आ जाएगा गिटार के साथ साथ में वारंटी कार्ड, जो कि अगर गिटार कुछ हो जाता है तो 1 साल की वारंटी, अगर 1 साल में अगर आपका कुछ गिटार हो जाता है तो आपका रिटर्न हो सकता है। और उसका बिल और कुछ इसमें फंक्शन वगैरह पढ़ने के लिए हर लैंग्वेज से दिया हुआ है, जो कि आप उसे देख के आप इसके गिटार का हर एक पार्ट को जान सकते हैं। तो ये वही है कि कैसे इसका सेटअप है, क्या है, वो सब चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसका गिटार का ट्यूब मतलब साउंड टेस्ट करते हैं ये कैसे है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बजाने नहीं आता, तो काफ़ी इसका बैलेंस साउंड है, बहुत ही अच्छा साउंड है, देता है यामाहा का गिटार। बट जब मैं सीख जाऊंगा तो जरूर आपको एक ना एक गाना सुनाऊंगा, तो जल्दी तो दुआ करिएगा मेरे के लिए कि मैं जल्दी सीख पाऊँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा साउंड है इसका, बहुत ही बैलेंस साउंड, और बहुत ही अच्छा साउंड है, एकदम बहुत अच्छा साउंड है, जो कि यामाहा बहुत ही अच्छा साउंड बनाता है। तो आप ही अगर बिगिनर हो तो आप भी ले सकते हो इस गिटार को, परचेज कर सकते हो। आपका अगर 10 से 11 या फिर 12,000 के बजट में आप अगर अच्छा गिटार लेना चाहते हो, तो ये गिटार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही गिटार लो,
जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए। और अगर आपको दूसरा कोई कंपनी का लेना है तो आप दूसरा कंपनी का भी ले सकते हो, वो भी बहुत ठीक ठीक है, लेकिन यामाहा का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने यहाँ तो फ्रेंड्स ये यामाहा गिटार के अलावा मैंने और कुछ लिया है जो कि इसको अलग से लेना पड़ता है, तो मैंने कवर लिया गिटार कवर ले रहा हूँ। तो पता नहीं इसका प्राइस कितना है बट मैं बिल बना दिया। और ये इसका बेल्ट जिसको मैंने सेटिंग किया है, ये बेल्ट हो गया। और ये एम्पलीफायर कनेक्ट है जो कि हम लोग इसके थ्रू एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये है 200 का। तो ये ले गया। और एक कैपो लिया हूँ, कैपो तो ये भी 200 पड़ा। तो आप लोग 150 मतलब 150, 200, 300 जैसे आपको लेना है तो कैपो भी आपके साथ मिल जाएगा। तो गिटार के अलावा मैंने ये सब लिया, लेकिन इसका अलग चार्ज लगा है। फाइनली गिटार का आपको तो रेट बता ही दिया कि कितना है। फाइनली फ्रेंड्स, अगर गिटार के फंक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हो FX 280, अगर आप F280 लोगे तो उसमें आपको ये एम्पलीफायर से कनेक्ट करने को नहीं मिलेगा। और ये जो गिटार ट्यूनिंग मतलब ऐप से आप करते हो तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से आप ट्यून कर सकते हो और वॉल्यूम कंट्रोल सब दिया है। तो FX 280 मतलब FX का जो भी मॉडल लोगे, और एक मॉडल होता है 310 करके कुछ है, तो ये FX 280 है, तो इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप F280 लोगे तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक बैटरी डालने के लिए दिया है और बाकी सब तो सेम ही है, इसका साउंड क्वालिटी और बस यही। तो आप FX 280 लोगे तो आपको ये सब एम्पलीफायर से कनेक्ट करने को बेनिफिट मिलेगा, और अदरवाइज दूसरा अगर दूसरा मॉडल लोगे तो शायद ये नहीं मिलेगा। तो यही है गिटार का फंक्शन, और साउंड क्वालिटी तो आपको बता ही दिया कि बहुत ही अच्छा है। और इसका जो वुड है वो मस्त है, बहुत अच्छा, तुम देख सकते हो इसको आवाज़ इसका। और इधर पूरा शाइनी है, मतलब शाइनिंग करता है पूरा, मस्त है। तो फाइनली ये गिटार ले लिया हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं गिटार ले लिया, और सीखूँगा इसको बजाने के लिए। थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, कुछ भी चीज़ लोग तुरंत नहीं सीख जाते, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, टाइम चाहिए। तो सीख लूँगा धीरे धीरे से। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को बस यहीं से एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू सभी को।